प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 29 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, रक्त और हमारा शरीर। साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर हमें हमारे बॉडी में ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे ये काम करता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी कुछ आप इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं और ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है। इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को कीजिए शेयर, और इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए, नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट में लिखते हैं। तो पिछले वर्कशीट से रिलेटेड जो सवाल था, उसमें जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनमें है कीर्ति गुप्ता, और कीर्ति गुप्ता ने बताया कि वो पौष्टिक आहार में क्या क्या खाना पसंद करती हैं, क्या क्या खाती हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इनका, जिससे कि मुझे भी सीखने को मिला। साथ ही अर्पित ठाकुर ने भी बताया कि वो किस जगह से रहने वाले हैं, और अभिशाखा पांडे का तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था, वो किस तरह से अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेती हैं, किस तरह वो फास्ट फूड खाती हैं, कितना परसेंट, तो पूरा उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर रिस्पॉन्स किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि ये रहे कि हाँ आपको समझ भी आ रहा है वर्कशीट के साथ साथ। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने देखा अनिल और दिव्या जो कि डॉक्टर दीदी के पास जाते हैं, ब्लड सैंपल लेती हैं डॉक्टर दीदी, और उसके बाद ब्लड के बारे में बहुत सारी बातें बताना शुरू करती हैं। आगे बोलती हैं दीदी, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा, एनीमिया क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्या लक्षण है, कैसे इसे बचा जाएगा, और भी बहुत सारी बातें। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है। अनिल ने पूछा कि क्या पौष्टिक खाना खाने से हम एनीमिया से बच सकते हैं, तो दीदी ने कहा हाँ, डॉक्टर दीदी ने, कि बहुत हद तक हम बच सकते हैं, लेकिन किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। आखिर क्यों हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं। हम खाना तो खाते हैं, लेकिन हम शादी पार्टी में गए या कहीं बाहर घूमने गए, या घर में भी हम जैसे चाउमीन हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मोमोस हो गया, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, जो कि पेट तो भरता है लेकिन पौष्टिक नहीं होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, यानी कि जो एनीमिया है वो पौष्टिक आहार की कमी से होता है। साथ ही और रीज़न है पेट में कीड़ों का हो जाना। हमारे पेट में कीड़े होते हैं, वो हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, ये प्रायः कैसे होते हैं, देखो दूषित पानी यानी कि गंदा पानी पीते हैं, फिल्टर नहीं होता है, आरओ नहीं लगा होता है, या उसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं। साथ ही खाद्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं, कई बार खाना ढका नहीं होता है, खाना बासी होता है, तो ये बैक्टीरिया, ये कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए, हम इन कीटाणु से बच सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, और खाना ढका हुआ ताज़ा और साफ खाना ही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले जब हम खाना खाएं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए। हालांकि आजकल तो कोरोना है, वैसे ही हाथ धोना चाहिए, लेकिन कोरोना रहे या ना रहे, फिर भी हमें हाथ धोने खाना खाने से पहले ज़रूर चाहिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ऊपरी सतह में एक ऐसे कीड़े भी हैं जो ज़मीन के ऊपरी यानी कि ऊपरी पार्ट में होते हैं, परत में होते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते यानी कि हमारी बॉडी में, मान लीजिए आपने हाथ नीचे रखा, पैर नीचे रखा, या आप नीचे लेटे हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, और हमारी जो बॉडी में देखा होगा आपने पसीना निकलता है,
तो वे कहीं ना कहीं छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं, इन छेदों के अंदर से वो प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर में और आंतों पर चिपक जाते हैं। इनसे बचाव के लिए हमें शौच के लिए, जब भी हम शौच के लिए जाएं तो हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। कई लोग खुले में बाहर शौच करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शौच करते टाइम कीटाणु बहुत सारे होते हैं जो कि हम छोड़ते हैं कीटाणु, और वो कहीं ना कहीं लोगों को भी इफ़ेक्ट करेंगे, तो दूसरों के जो कीटाणु हैं वो हमारे तक पहुँचेंगे। इसलिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही जब आप घूमें तो नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इससे हम एनीमिया से बच सकते हैं, साथ ही कीटाणु हमारे शरीर में नहीं होंगे, साथ ही जो कीड़े पेट के होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब लिखने की आपको देने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा क्या कारण है, हमारे देश में जो एनीमिया है वो क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखोगे, हमारे देश भारत में पौष्टिक आहार की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है, यानी कि जो पौष्टिक खाना है वो नहीं खाते हैं, जिसके कारण एनीमिया हो जाती है। दूसरा सवाल है, पेट में कीड़े किन कारणों से होते हैं? आमतौर पर लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि ज़्यादा मीठा खाने से कीटाणु होते हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा मतलब कारण है, पेट में कीड़े होने का सबसे बड़ा और अहम कारण है हमारे द्वारा गंदा पानी पिया जाना, गंदा खाया जाना। तो ये क्या होता है कि खाने में जो कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वो हमारे पेट में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा सवाल है, शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? आखिर हमें शौचालय में ही शौच क्यों करना चाहिए? कीड़ों से बचने के लिए एवं शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुले में शौच करते हैं तो कीटाणु जो कीड़े हैं वो कीटाणु हैं वो बहुत फैलते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हम शौचालय का हमें प्रयोग करना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो एनीमिया ना हो आपको, हमें, आपके घर में किसी को भी, तो क्या करना चाहिए, आप अपने घर वालों को भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो क्या कहेंगे भाई? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार, सबसे इम्पॉर्टेंट पौष्टिक आहार हमें लेना है, हरी सब्जियां, दाल, फल, अंडे, दूध, मछली, ये सारा खाना है, साथ ही साफ सुथरा हमें खाना है और साफ पानी ही पीना चाहिए, ना ही गंदा पानी पियेंगे, ना ही हम गंदा खाना खाएंगे। और अगला है कि जल प्रदूषण कैसे होता है ना, कई लोग पानी गंदा कर देते हैं, तो कैसे होता है, आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने बताया है, आप इसमें ऐड करेंगे या आप इसे सिर्फ समझने के लिए रखो, बाकी आपको आंसर अपना ही लिखना होगा। तो देखो, पानी को गंदा करना या गंदगी फैलाना जल प्रदूषण कहलाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कल कारखानों का गंदा पानी नदी में डाल दिया जाता है, जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होती हैं, उनमें जो भी गंदा है, मल है, कचरा है, वो सारा नदी में डाल दिया जाता है, नदी गंदा, पानी गंदा, तो जल प्रदूषण। कई लोग नदी में नहाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। नालों का गंदा पानी भी लोग नदी में डाल देते हैं, साथ ही मल मूत्र को भी लोग नदी में डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। तो ये है आज की वर्कशीट। तो चलिए देखते हैं आज की वो वर्कशीट का आज के लिए सवाल क्या है आपके लिए, कि वॉशरूम या शौचालय में कीटाणु ना हो, कीटाणु कम हो, इसके लिए आप क्या सावधानी बरतते हैं और क्या सावधानी आप रखेंगे इन फ्यूचर, ताकि कीटाणु ना हो और आप सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, मुझे कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना है। और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।